हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं पटाया। तो फ्रेंड्स, चलते हैं पटाया। थाईलैंड से अभी मैं हूं बैंकॉक में, और बैंकॉक से पटाया जाते हैं आज। और तो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है। और आज हम आपको जानकारी भी देंगे कि बैंकॉक से पटाया कैसे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहें मेरे ब्लॉग में और चलते हैं पटाया की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ से पहले मुझे बस स्टैंड जाना है, यहाँ से बस मिलेगी। यहाँ पर एक जगह पड़ती है एकमाई, तो एकमाई से हमको वैन मिलेगी। वैन से ही हम पटाया के लिए जा पाएंगे। जैसे बस वगैरह होती है, बस भी होती है और मिनी वैन भी होती है, उससे हम लोग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम आ गए हैं और अभी थोड़ा दूर है यहाँ से बस मिलेगी बस स्टैंड के लिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, दुकानें खुल चुकी हैं यहाँ पर। थोड़ा दूर और है यहाँ से बस स्टैंड। फ्रेंड्स, इस तरीके की यहाँ पे दुकानें होती हैं। और अभी मैं बस स्टैंड की तरफ ही जा रहा हूँ, जहाँ से मुझे पटाया के लिए बस मिलेगी। ये यहाँ का सुबह का खाना है। तो फ्रेंड्स, हम बस स्टैंड पे आ गए हैं। ये यहाँ का बस स्टैंड है। यहाँ से मुझे एकमाई के लिए बस मिलेगी। एकमाई वो जगह है, बस स्टैंड है, बस टर्मिनल है, जहाँ से पटाया के लिए बस मिलेगी। लॉन्ग रूट की जितनी भी बसें हैं वो वहीं से मिलती हैं, और भी एक मोचिट है, मोचिट से भी मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ का बस स्टैंड। और ये मेरी बस जो है आ गई है 71, आप देख सकते हैं। यहाँ से एक मई जाएंगे हम। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे कुछ दुकानें लगी हैं। इस तरीके से यहाँ पे सामान खाने का मिलता है। ये स्ट्रीट फूड है, लोग यहाँ पे इसी तरीके से खाते हैं। सुबह ही सुबह सुबह से ही खाना चालू कर देते हैं। ये फ्रेंड्स चिकन। तो फ्रेंड्स, बस मुझे मिल गई है और अब हम जा रहे हैं एकमाई बस स्टेशन की तरफ, जहाँ से हमको वैन मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स, ये है एकमाई का BTS। यहीं से थोड़ा आगे जा कर के हमको बस मिलेगी। मेट्रो भी है ये, यहाँ की BTS।
तो फ्रेंड्स चलते हैं, थोड़ा आगे ही है बस स्टैंड जहाँ से और पटाया के लिए वैन मिलेगी, मतलब मिनी वैन होती है, अभी दिखाएंगे हम आपको। यहाँ से फ्रेंड्स थोड़ा ही आगे जाना है और बस टर्मिनल आ जाएगा। फ्रेंड्स ये बस टर्मिनल के पास का व्यू है, जिससे कि आप कभी आए तो आपको आसानी हो पहचानने में, क्योंकि अब हम आ गए हैं बस टर्मिनल पर। यहाँ से इस तरह की जो वैन है ये जाती है, यहाँ से पहले टिकट लेना होता है, अभी टिकट काउंटर की तरफ चलते हैं, यहाँ से टिकट लेंगे फिर। तो फ्रेंड्स ये बस स्टैंड का टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको पटाया की टिकट मिल जाती है, ये है 150 बात की है, और यहाँ से आपको टिकट काउंटर से यहाँ पे इस तरह की पर्ची मिलेगी और आपको टिकट मिल जाएगी। तो ये बस खड़ी हुई है मिनी वैन और यही पटाया के लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं आज पटाया की ओर, अभी हमको 10 मिनट इंतज़ार करना है, उसके बाद बस से जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमको पटाया के लिए वैन मिल गई है और अब हम बैठ गए हैं वैन में। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ अब पटाया में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पटाया की बीच है, और इसको आज मैं अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप मेरे इस ब्लॉग में बने रहें, और आज हम आपको दिखाएंगे पूरा पटाया, पटाया का मार्केट आप देख सकते हैं। ये बीच है, यहाँ पर अभी 11 बजा है दोपहर का, मतलब सुबह का, तो अभी काफ़ी धूप है, और शाम को हम आपको दिखाएंगे कि क्योंकि जो भी यहाँ पे लाइटिंग वगैरह है, जो भी यहाँ पे अच्छा लगता है वो शाम के समय ही अच्छा लगता है, जब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी लाइट, मतलब कि शाम होने लगती है, रात होने लगती है उसके बाद, और लाइटें जब यहाँ पर जलती हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ का व्यू है, और चलते हैं अब थोड़ा मार्केट की तरफ, आपको थोड़ा मार्केट भी दिखाएंगे और फिर शाम को हम आपको यहाँ की सैर करवाएंगे। तो फ्रेंड्स बने रहे आप हमारे साथ। हाय, तो फ्रेंड्स काफ़ी लंबी बीच है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और अभी मार्केट की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा धूप है, और यहाँ पे जो मज़ा आता है वो शाम को ही आएगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, घूमने फिरने का, क्योंकि धूप में तो सब दुकानें और भीड़ नहीं होती है। तो अभी मार्केट की तरफ चलते हैं, और जब धूप कम होगी तब इधर की तरफ आएंगे। बीच की तरफ देख सकते हैं हमारे पीछे, तो फ्रेंड्स बहुत सालों बाद यहाँ पर आया हूँ मैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मगर धूप है क्या करें। और आप बताएं आप लोग कब आ रहे हैं पटाया, कमेंट करके ज़रूर बताएं।
मेरा बहुत मन था आने का यहाँ पर पटाया। मैं बहुत बार बैंकॉक आया हूँ लेकिन पटाया आने का मौका नहीं मिल पाया। मैं पिछले साल भी बैंकॉक आया था मगर मुझे मौका नहीं मिल पाया, लेकिन इस बार मैं आया हूँ तो अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा यहाँ पर मार्केट को। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।